सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ HDFC बैंक के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको HDFC बैंक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो क्या इस बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और दोस्तों आप इस बैंक में अपना अकाउंट कितने रुपए से ओपन करा सकते हो, और दोस्तों साथ में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको इस बैंक में अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कराना चाहिए या फिर ऑफलाइन ओपन कराना चाहिए, और इस बैंक में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं जो आपको इस बैंक में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको और आपको बताऊंगा कि आप इस बैंक में क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो और आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है इसकी वेलकम किट के साथ। तो दोस्तों चलो इस वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसी बैंक के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बैंक के बारे में कि आपको इस बैंक में अपना अकाउंट कराना चाहिए ओपन या फिर नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी बैंक चुन रहे हो, अगर आपको एक ऐसी बैंक चाहिए जिसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पर काफ़ी डिस्काउंट मिले, तो दोस्तों आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी 2,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की। या दोस्तों अगर आप एक मेट्रो सिटी से हो, अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हो ये दिल्ली है आगरा है, तो आपको दोस्तों अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मेंटेन करना रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप इस अकाउंट को अपना चला सकोगे। और दोस्तों अगर आप किसी कस्बे में रहते हो जो दोस्तों जैसे दोस्तों कस्बे वगैरह होते हैं, तो दोस्तों आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। और वहीं दोस्तों अगर आप किसी गांव से हो तो आपको दोस्तों 2,500 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। और दोस्तों जो पैसे हैं आपको हर वक्त अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, नहीं तो दोस्तों आपके अकाउंट से चार्जेस कट के आ सकते हैं, जो दोस्तों ये इस बैंक का नियम है। वहीं दोस्तों बात करें इस बैंक की बेनिफिट की, इसमें जो दोस्तों ऑफर हैं, तो दोस्तों इसका जो दोस्तों डेबिट कार्ड है, अगर आप इसे शॉपिंग करते हो चाहे फ्लिपकार्ट पे करो या फिर दोस्तों अमेजन पे करो या फिर दोस्तों अपनी मार्केट में कहीं पर भी करो, ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन कहीं भी करो, अगर आप इसमें अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसके डेबिट कार्ड की बात की जाए तो इसमें दोस्तों दो ऐसे डेबिट कार्ड हैं जो काफ़ी लोगों के पास हैं और ज़्यादातर लोग इन्हीं दोनों डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, एक आता है ईजी शॉप नाम से और दोस्तों दूसरा आता है मिलेनियम डेबिट कार्ड, जो कि दोस्तों मेरे पास है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड हैं दोनों, मिलेनिया डेबिट कार्ड और ईजी शॉप डेबिट कार्ड, ये दोनों दोस्तों ऐसे डेबिट कार्ड हैं जिन पर दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर इस कार्ड के ऊपर मिलते हैं। मतलब यह दोस्तों अगर आप इस कार्ड से शॉपिंग करते हो, इन दोनों कार्ड से किसी भी कार्ड से तो दोस्तों आप जो भी शॉपिंग करोगे उसमें अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन करो। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ अकाउंट ओपन कराने की, तो दोस्तों आप अपना अकाउंट ऑफलाइन जाकर ओपन कराएं, ऑनलाइन नहीं कराएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ओपन कराते हैं तब भी दोस्तों आपको एक बार अपने ब्रांच जाना पड़ेगा, तो दोस्तों बेटर है आप ऑफलाइन जाकर अपना अकाउंट ओपन कराएं। और दोस्तों ऑफलाइन में ये झंझट नहीं रहेगा आपको कि आपका दोस्तों जो फुल केवाईसी होती है वो आपकी तुरंत हो जाएगी, और जो भी दोस्तों अनबॉक्सिंग किट होती है जैसे इसमें जो बुक आती है और दोस्तों जो चेक बुक आती है वो आपको तुरंत दे दी जाएगी, या फिर दोस्तों कुछ दिनों में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कूरियर कर दी जाएगी। और दोस्तों आपसे मैं बात करूँ डेबिट कार्ड की, तो दोस्तों आप अपना डेबिट कार्ड या तो मिलेनियल लें या फिर ईजी शॉप लें, क्योंकि दोस्तों ये डेबिट कार्ड हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं और इनकी दोस्तों जो फीस होती है वो 750 रुपये से 800 रुपये तक के बीच की होती है इन दोनों कार्ड की। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बैंक है, अगर आप HDFC बैंक अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो ज़रूर से अपना अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि दोस्तों इस बैंक में आपको काफ़ी अच्छे से ऑफर देखने को मिलेंगे। बस दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका मेंटेन बैलेंस है, चाहे 10,000 रुपये हो या 5,000 हो या फिर 2,500 रुपये हो, इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल ही छूट नहीं मिलेगी, आपको अपने अकाउंट में 2,500 रुपये 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये जो भी दोस्तों महीने की जो भी दोस्तों जो पैसे हैं जो आपको मेंटेन करके रखने हैं वो आपको पर डे के हिसाब से, डेली के मंथली के हिसाब से इसमें अपने अकाउंट में मैनेज करके रखने हैं। यानी दोस्तों अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपये वाला है तो दोस्तों आपको डेली का 10,000 रुपये का अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपके अकाउंट से जो पैसे हैं उस पर चार्जेस लग के आएंगे और वो कटते रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बैंक है HDFC बैंक, अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो ज़रूर से करा लो। बट दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया था कि आप अपना अकाउंट ऑफलाइन जाकर ओपन कराएं,
नहीं तो दोस्तों आपको ऑनलाइन ओपन कराने के बाद एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत आएंगी। जैसे दोस्तों आपको नेट बैंक है वो नहीं चलेगी, फिर भी दोस्तों आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। या फिर दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको, जैसे चेकबुक है, पासबुक है और जो डेबिट कार्ड वगैरह है, उसके लिए दोस्तों आपको अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों आपकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो बिल्कुल आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं आएंगे। दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो एक बार ब्रांच जाओ और अच्छी तरीके से अपना अकाउंट ओपन कराओ फुल केवाईसी के साथ, जिससे आपका सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ईजीली तरीके से आपको मिल सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।